हेलो गाइस, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, हमने सॉल्व किया है टेस्ट पेपर 9 से कुछ क्वेश्चंस, यूनिटरी मेथड चैप्टर 9 है फ्रेंड्स, क्लास 7 की बुक है आरएस अग्रवाल की। स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 से। गिवन है यहाँ पे, इफ 4/5 ऑफ अ सिस्टर्न इज फिल्ड इन 1 मिनट, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द एम्प्टी सिस्टर्न। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे गिवन है 4/5 पार्ट ऑफ सिस्टर्न फिल होता है 1 मिनट में। 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड। इसमें 4 पार्ट है, टोटल कितने हैं यहाँ पे, 5 पार्ट हैं सिस्टर्न के। इसका 4 पार्ट जो है वो फिल होता है 60 सेकेंड में, तो एक पार्ट के लिए हम फाइंड कर लेंगे वो कितने सेकेंड्स में फिल होगा, और इसके बाद हम फिल करने के लिए एम्प्टी सिस्टर्न उसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। तो पूरा जो सिस्टम है वो उसका कितना पार्ट है, 5 पार्ट में है, तो उसके लिए हम फाइंड कर लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सॉल्व किया है कि 4 आउट ऑफ 5 पार्ट, 4/5 पार्ट था, मींस 4 पार्ट जो है सिस्टर्न का वो फिल होता है 60 सेकेंड में। 1 मिनट में हो रहा था उसको हमने लिख लिया 60 सेकेंड में, तो एक पार्ट, 4 पार्ट यहाँ पर 60 सेकेंड में हो रहा था, एक पार्ट निकाल लेंगे। नंबर ऑफ पार्ट हमने यहाँ पर डिक्रीज़ किया तो टाइम भी डिक्रीज़ हो जाएगा, 60/4 हो जाएगा। सेकेंड्स में है तो सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पर लेस स्पेस लेस टाइम, ये हो गया 1 पार्ट को फिल करने में लगा समय 60/4 सेकेंड्स। अब हमें फाइंड करना है कि एम्प्टी सिस्टर्न को फुल करने में, तो एम्प्टी सिस्टर्न में टोटल कितने पार्ट है, 5 पार्ट है। 4/5 था यहाँ पे, जो हमने 4 पार्ट लिए थे अभी, तो यहाँ पे कितना है टोटल, 5 पार्ट है। तो 5 पार्ट को फिल करने में कितना टाइम लग जाएगा, एक पार्ट को लगता है 60/4, तो 5 को लग जाएगा इंटू 5, 5 इंटू हो जाएगा, और सेकेंड्स में है तो सेकेंड में हम यहाँ पर इसकी यूनिट को पुट कर देंगे, मींस मोर स्पेस मोर टाइम। यहाँ पे हमने 1 पार्ट से 5 पार्ट कर दिया है, तो यहाँ पे इनटू में हो गया है 60/4 इनटू में हो जाएगा 5। सॉल्व कर लेंगे, 4 1 जा 4 4 15 जा 60 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75 सेकेंड्स। दैट मींस वी हैव 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, तो 60 75 सेकेंड्स इज इक्वल टू 75/60, दैट मींस 1 मिनट 15 सेकेंड्स। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस तरह से सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का हमने इसे सॉल्व किया है। कंप्लीट सॉल्यूशन फ्रेंड्स आप देख रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। गिवन अ क्वेश्चन 7 में, अ बस कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर्स 20 मिनट्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर्स पर आवर। एक बस जो है 45 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो एक सर्टन डिस्टेंस को कवर करती है 3 आवर्स 20 मिनट्स में। देन हमें फाइंड करना है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर बस चलेगी तो सेम डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगी। ओके फ्रेंड्स, आइए सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे गिवन है कि जब बस की स्पीड 45 किलोमीटर्स पर आवर है, तो सर्टन डिस्टेंस को बस कितने टाइम में कवर करती है, 3 आवर्स 20 मिनट्स में। फ्रेंड्स सबसे पहले हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है मिनट्स में। एज वी नो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 3 आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 3 मिनट्स, दैट मीन्स 180 मिनट्स। देन यहाँ पे 3 आवर्स की जगह हमने पुट कर दिया 180, प्लस हो जाएगा 20 मिनट्स। 180 प्लस 20 200 मिनट्स, मीन्स 45 किलोमीटर की स्पीड से अगर बस चल रही है तो एक सर्टन डिस्टेंस को वो 200 मिनट्स में कवर करेगी। देन फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर लिया है, जब बस जो है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तब बस को कितना टाइम लगेगा सर्टन स्पीड को कवर करने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या किया है, स्पीड को लेस कर दिया है, तो ऑब्वियस ही बात है टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर कम स्पीड से बस चलेगी तो टाइम और ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 इंटू 45 मिनट्स, लेस स्पीड मोर टाइम। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब बस की स्पीड हम 50 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, मीन्स 1 किलोमीटर से सीधे 50 किलोमीटर कर देते हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, देन क्या होगा फ्रेंड्स, ऑब्वियस ही बात है इस बार टाइम जो है डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर जब बस की स्पीड थी तो उसको कितना टाइम लग रहा था, 200 इंटू 45, अब 50 किलोमीटर स्पीड हो गई है तो कितना टाइम लग जाएगा, अपॉन में 50 हो जाएगा और मिनट्स में आ जाएगा हमारा आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 51 जा 50, 54 जा 200।
45 इंटू 4 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 180 मिनट्स। दैट मीन्स इसको कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में, 60 मिनट इज इक्वल टू होता है 1 आवर, तो 180 मिनट्स कितना हो जाएगा 180 अपॉन 60 आवर्स इज इक्वल टू 3 आवर। ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे हम। गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, इन अ फोर्ट 120 मैन हैड प्रोविजंस फॉर 30 डेज, फॉर हाउ मैनी डेज इज द फूड सफिशेंट फॉर 100 मैन। 120 मैन है एक फोर्ट में, देन उनके पास 30 डेज के लिए प्रोविज़न है, तो हमें बताना है कि अगर वहाँ पे 100 मैन रिमेनिंग बच जाएंगे तो फूड और कितना दिन चल सकता है। ऑब्वियस ही बात है, जब नंबर ऑफ मैन हम डिक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। इनवर्स वेरिएशन का ये क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और अगर कम लोग रहेंगे तो खाना और ज़्यादा दिन तक चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लिख लिया, इन अ फोर्ट 120 मैन हैड प्रोविज़न फॉर 30 डेज, तो वन मैन अगर सिर्फ एक आदमी रहे तो खाना और ज़्यादा दिन चल जाएगा। कितना चलेगा, 30 × 120 डेज चल जाएगा, मीन्स लेस मैन मोर डेज। अब यहाँ पे हमने वन मैन से 100 मैन कर दिया, जब 100 मैन रहेंगे तो कितना खाना चल जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा बाय 100, क्योंकि खाना और कम दिन चलेगा इसलिए डिवाइड हो जाएगा। 30 × 120, जब एक मैन रहता है तब इतने दिनों में खाना चलता है, और जब 100 मैन आ जाते हैं तो इसी को हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। 30 × 120 / 100 डेज, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचेगा 12 × 3 इज़ इक्वल टू 36 डेज। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मैन इंक्रीज कर दिया है तो नंबर ऑफ डेज जो है डिक्रीज हो जाएगा, मोर मैन लेस डेज। इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8 जिसको हमने सॉल्व किया है। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस फॉर न्यू वीडियोस, एंड फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।